अस्सलाम वालेकुम अनॉनिमस की पब्लिक, क्या हाल चाल। ओके, गलती इंट्रो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गैस, कैसे हो आप लोग। आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाबा जी, लास्ट टाइम मैंने अपलोड की थी वो रैंडम स्क्वाड ज्वाइन करने वाली, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, क्या बताऊँ मैं उस सब के लिए। उतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा भाई पार्ट टू आना चाहिए हमारी अनॉनिमस की पब्लिक के लिए, तो हम लेकर आ गए हैं पार्ट टू रैंडम स्क्वाड ज्वाइन करने वाला। हम करेंगे रैंडम स्क्वाड ज्वाइन। तो उससे पहले आप लोग लाइक बटन ठोक दो, दबा दो लाइक बटन, और देखते हैं इनका रिएक्शन कैसे होने वाला है। और प्यार जब तक आता रहेगा तब तक ये वाली वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ शेयर वेयर किया करो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1 मिलियन करेंगे। चलो ज्वाइन करते हैं रैंडम स्क्वाड और देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है हमें। स्टार एनोनिमस आ गए। ओहो, ओ भाई, ओ रियल है ये। ओ भाई, बिग फैन ब्रो। भाई बिग फैन यार, बिग फैन भाई। आवाज आ रही भाई। ओ यार, मैं की हो गया यार। यूनिक भाई, यूनिक भाई, रेडी कर मोई, रेडी कर मेरी तरफ से रेडी। और यूनिक भाई गाने बंद करो यार, रेडी करो। और यार गाने बंद करो यार, स्टार्ट करनी है। अच्छा एनोनिमस की पब्लिक, बाकी बातें अपनी जगह, मजा उस बात पे है कि वो भाई गाने सुन रहे हैं और भाई लोग उनको बोले यार गाने बंद करो यार, हमने गेम खेलनी है, रेडी करो। वो रेडी नहीं कर रहे हो तो नहीं, कौन सा गाना लगाया हुआ था कमेंट करके बताना कौन सा गाना था, मेरे को तो पता नहीं चला। बट वो फनी सीन था, मेरे को हंसी आ रही थी कि भाई बोले अरे भाई बंद कर, इसको गेम खेलनी है, लॉल, फनी था। तो ये था हमारे भाई लोगों का रिएक्शन। लेकिन ये गेम प्ले ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। एक तो उसमें फाइट ऐसी हुई, मैंने कैसे अपने भाई लोगों को लाइक चिकन तक लेके गया, एक चीज़। दूसरा आप लोग देखोगे कि हमें और अनोनिमस की पब्लिक मिलेगी, अरबियों के स्क्वाड हम पेरिश करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बाबा जे मचाएंगे, अक्ल इस्तेमाल करेंगे, मौत को छुएंगे और टक से वापस आएंगे। बाबा जे टेंशन नहीं लेनी। तो सारे डायलॉग एक बार बोल देता हूँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा का अच्छे के लिए होगा। बाबा जे ये पिंडी बॉय बोलते चड्डी खोलते, लॉल। तो आपका नूब अनॉनिमस जा रहा था नूब यानी कराची, और जैसे हम लोग की लैंडिंग थोड़ी सी लेट होगी, आगे देखेंगे इतने बंदे। फिर वो वाला आएगा, वो अपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, समय रहते ही हट जाए जाए पीछे, पता नहीं वो क्या बोलता है अनूप सोनी, के बेहतर है कि कदम पलट जाएं, पता नहीं क्या। कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं, मैं भूल गया एनोनिमस की पब्लिक, आप लोग बताओ क्या बोलते हैं। आए तो शॉर्ट गन मिली थी, और उसके बाद यहाँ हम लोग को गन मिलना जो हो जाती है वो एकदम, क्योंकि जब आपको ऐसे अचानक से लैंड होना पड़े ना, तो समझ लो आपकी बैंड बच जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ भागें, क्या लूट उठाएं, क्या नहीं उठाएं। एक होता है लैंडिंग, जहाँ आपको बताता है हमने यहाँ लैंड करना है, जब अचानक से जगह बदलनी पड़े ना तब आप पैनिक कर जाते हो, और हम लोग पैनिक हो चुके थे। किसी को गन नहीं मिल रही थी, हर बंदा यही बोल रहा था भाई लोगों में से भी कि गन नहीं है, गन नहीं है, गन नहीं है। और एक स्क्वाड हमारे राइट पर, एक स्क्वाड हमारे लेफ्ट पे। बाबा जी थोड़ी सी जाना जिंदगी आई हुई थी खतरे में हमारे। अब बाबा जी यहाँ पे हमारे एक भाई को जो है ना वो रश करके मार देते हैं, क्योंकि गन नहीं मिल रही होती। मैं भी गन ढूंढने उस साइड पे चला गया था, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने टीममेट्स के पास भागना चाहिए। इतनी देर में जाते जाते हमारे एक और टीममेट नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे, और हम यहाँ पे दो ही बंदे बच जाएंगे। तो बाबा जी हमारी ज़िंदगी खतरे में आ चुकी थी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि सबके सब लाइक बटन ठोक दो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई। बाबा जी मन पे यहाँ मैंने डैमेज दिया, लेकिन उसको फ़ौरन से कवर मिला। देख लो किस लेवल की कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी हेल्थ कम है गाइस, क्योंकि एक यहाँ पे BRDM वाला स्क्वाड आ गया था, उनसे भी इनको शॉट पड़े, इनकी हेल्थ काफ़ी कम थी तीनों की, तो मैंने रश कर दिया। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी नॉक हो जाएंगे, इन सब की हेल्थ कम है। वो बेचारा तो हील होके आया था रिवाइव होके पीछे से,
मैं मार एक को रहा था, दूसरा बंदा रिवाइव होके पीछे आता है और एक गोली उसको पता नहीं कहाँ से लग जाती है, लाइक मार इसको रहा था लग उसको गई, और इस भाई के साथ तो प्रैंक हो गया। फिर म्यूजिक वाला वो लाइक स्लो मोशन में एडिट होना चाहिए म्यूजिक, ओ वो वाला सीन यहाँ पे आना चाहिए। भाई के साथ प्रैंक हुआ ना, क्योंकि इनको एक और स्क्वाड मार रहा था यहाँ पे, वो एक और वो भी पाकिस्तानी स्क्वाड है, BRDM लेके नोवो में घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं BRDM। अभी यहाँ पे नजर आएंगे लेजेंड्स, हमारे लेजेंड्स भाई लोग। और यहाँ पे एक गाइज एक नमूना, मैं नमूना ही बोलूँगा भाई को, सच में नमूना था, आप लोग भी बोलोगे कि आप लोग बोलना बैरल वाला नमूना, ओके कमेंट करना सारे, आप देख के बोलोगे वाकई भाई ने कौन सा अजूबे हैं ये भाई हमारे, लाइक उनको था कि मैं मौका मिले मैं मार दूँ, देखना बहुत फनी सीन होने वाला बाबा जी। हम लोग अगर रेस्ट करते BRDM वाले स्क्वाड से बचने के लिए मैं थोड़ा साइड पर आ गया था ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए और मैं थोड़ा लाइक क्लोज में ज़्यादा फाइट ना हो। वो लोग BRDM से उतर के ऊपर जंप करने लग गए, और सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप तो कंटेनर के ऊपर हो ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉम शेरू भैया को नॉक किया, इनको फिनिश करेंगे फौरन से, शेरू उठाएंगे अपना। और अब मैं सोचा राइट से रश करता हूँ बाबा जी, तो मैं राइट साइड पर चला गया, और ये भाई हमारे रश कर रहे थे तो मैंने इनको फिर नहीं मारा, ओ सॉरी जंप कर रहे थे। अभी आप देखोगे नमूना आएगा, अभी पहले मैंने अभी भाई को जब मना कर दिया कि नंबर फोर भाई नहीं मारना, बॉट भैया आए, पहले तो KD ज़्यादा करते हैं ना अपनी, बॉट भैया हमारा KD ज़्यादा कर ली हमने, और अभी भाई से बात कर रहे थे हम, और इनके टीममेट आने वाले हैं जो नमूने होंगे उनको बोलना अब M7 वाला नमूना कमेंट में, देखना गाइस। ये बंदा आ चुका है और मुझे ना देखो जिसने गन निकाली मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन अब मुझे पता था कि ये बंदा जाना ये जानता नहीं है या ये मारना चाहता है, कुछ भी हो सकता था। ये जो भाई हमारे बैठे हैं ना सामने, ये तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे यार, लव यू भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन वो जो नमूने आपके टीममेट है ना ये M7 वाले, इनसे मुझे बड़ा डर लग रहा था। ये देखो इनकी हरकतें, मशकूक हरकतें, इस आदमी पर नज़र रखी जाए। मैं अपने टीममेट को भी बोला था कि भाई इस पर नज़र रखना, मुझे बंदा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे मरता रहता हूँ बहुत बार, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन मारने वाला है, तो अभी मुझे इस बंदे पे शक हो रहा था। ये बड़ी मशकूक हरकत कर रहा था, ये देखो ये देखो, मैं इसके टीममेट के पीछे छुप रहा हूँ। अब भाई ऊपर बात करने है, वो देखो ऊपर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे बॉट आएगा उसको मारेगा ये, ये देखो ये देखो मशकूक हरकतें। अब कमेंट करना बैरल वाला नमूना, ओके सारे के सारे कमेंट्स करना, बड़ी मशकूक हरकतें हो रही हैं। तो भाई से बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से जा नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता, भाई से बात तो करनी चाहिए, अब पता नहीं लास्ट अगली बार कब मिले। ये देखो रंग दिखा दिया भाई ने अपना, फिर मेरे दिल से आवाज है ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ओके हाँ ये भी कमेंट करो सबके, ये रॉन्ग नंबर है, बैरल वाला रॉन्ग नंबर है। फिर भाई ने सॉरी बोला, मैंने कहा भाई आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले उनसे डर लग रहा था, और फिर मैं उल्टा सॉरी बोला कि भाई सॉरी मैंने आपके टीममेट को फिनिश कर दिया, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि वो रॉन्ग नंबर थे, इसलिए हमें फिनिश करना पड़ा, तो सॉरी उसके लिए माफ़ी मांगी भाई से। तो भाई को बोला भाई आप अपनी BRDM लेके निकलो, लास्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। भाई BRDM लेके गए, हम लोगों ने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और ब्रिज पे भाई ने BRDM खड़ी की, और वहाँ से गाड़ी लेके ना ब्रिज पे जा रहे होंगे, और लेकिन हमसे आगे एक और अरबियों का स्क्वाड होगा, तो यहाँ पे हो गया एक दंगा फंसा। देखो भाई ने BRDM छोड़ी, हमारे वही भाई हैं, हम इनके पीछे पीछे, इनसे आगे एक अरबियों का स्क्वाड, तीन टीमें जा रही हैं, ला 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 ला। भाई को जब गोलियां पड़ी भाई ने गाड़ी रोक दी, हमें इनके पीछे रुकना पड़ा, इनको पता है हमें ये नहीं मारेंगे, लेकिन इनको पीछे से पड़ जाएगी, ये देखो मार दिया अरबियों, जुनेद भाई आपका मौत का बदला ले लिया आपके अनोनिमस ने, जुनेद भाई, जुनेद राजा भाई, सॉरी बुरा लगा मुझे, और सच में दुख हुआ था, मैं अपने टीममेट्स को भी बोला यार इन भाई के लिए बुरा लगा, मैच में ही बोला था, तो लेकिन मेरे प्यारे जुनेद भाई आपका बदला ले लिया अनोनिमस ने, कान के नीचे लगाया टक से, लॉबी भेजा इन अरबियों को, और आपके फेस पर स्माइल आई हो क्या, मतलब ये मुझे पता स्पेक्टेट कर रहे हो उस टाइम आप। तो फिर गैस हमने इनकी लूट की, क्योंकि लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, वो भी तेज़ ऐसी उंगलियां चलाओ, इतनी तेज़ उंगलियां चलाओ कि बस घर वाले देखें ये क्या कर रही हो, यू व्हाट आर यू डूइंग मैन, यू आर लाइक जैसे पैसे उठाते ना शादी में, उससे भी तेज़ लूट उठाओ क्रेट से, जैसे जब हम बचपन में पैसे लूटते थे ना, कैसे
पैसे कहीं होते थे, तीन बंदों की टांगों के नीचे से हाथ ले जाकर 10 का नोट उठा लेते थे, तो उससे भी तेज आप लूट उठाओ। When you see the crate, you just tap 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 tap, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। और फिर हम आ गए सीधा गटका, क्योंकि हमारे पास थे प्लेयर। अब मजे की बात, प्लेयर की एमओ मेरे टीममेट के पास है, प्लेयर की गन मेरे पास है। अक्सर ऐसे ही होता है, उनको एमओ मिल गई थी किसी और की बॉडी से, मुझे गन मिल गई थी किसी और की बॉडी से। यहाँ पे एक ऑलरेडी स्क्वाड होता है बाबा जी, तो जिंदगी आ जाती है खतरे में। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, हम टेंशन नहीं लेंगे। जब मैंने नेट निकाला तो भाई साहब बाहर आएंगे, वो उनको पता नहीं होकर रहता। पाकिस्तानी भैया हमारे नॉक हो गए, ये काजमी भैया हमारे। फिर मैंने एक नेट निकाला, लेकिन मुझे नज़र आया यहाँ एक बंदा, मेरा टीममेट आगे जा रहा था तो मुझे हेल्प करने पीछे जाना था, और मैं चुप हो जाता हूँ। अब ज़रा खुद देखो कि एक अचानक से कैसी भगदड़ मच गई थी, एक और अरबियों का स्क्वाड आ गया था, तीन लोग थे यहाँ पे। आप देखो ज़रा हुआ क्या था। और गाइस यहाँ मैं अरबियों को दिखाने के लिए डांस कर रहा था, साथ ही हमारे नंबर 4 भैया बोलते हैं, ओ भाई रिवाइव से दे दो। मैं कहा सॉरी सॉरी भाई, मैं फिर मैं भाई को रिवाइव दिया। मज़ा आया था गाइस, थर्ड पार्टी करने आ गए भाई। थर्ड पार्टी कोई करते हो गुस्सा आता है, और जब आप दोनों को मार देते हो, रश वालों को भी और जो पहले से स्क्वाड होता है उसको भी, तो काफ़ी खुशी होती है बाबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर जिंदा बच गए थे, और फिर मज़े से कर रहे थे लूट, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मज़ा। और अभी आप देखोगे हम ना गेम पबजी गेम के अंदर गेम भी खेलेंगे, तो आपको वो भी देखने को मिलेगी बाबा जी। तो इस वीडियो पे ना जितने ज़्यादा लाइक ठोक सकते हो ठोक दो, बड़ा दुख हो रहा है। काफ़ी एक अर्से ही हो गया हम लोग गेमिंग में नंबर 1 ट्रेंडिंग में नहीं आए, सेकंड थर्ड फोर्थ पता नहीं क्या हो गया। तो ट्राई करना इस वाली वीडियो पे इतना प्यार दिखाओ कि हम लोग फर्स्ट नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ जाए, थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एनोनिमस की पब्लिक लूट करे थे मज़े से, और हेलमेट आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल उड़ चुका है, वेस्ट भी 1 की है वो भी डैमेज है। तो हमें याद आया कि हमारे पास फ्लेयर है। अब भाई ने ना वो कमेंट किया था, ये तो होगा बाबा जे, ये और इनकी गाड़ी में देखने आया था कि देखो नूब तो नहीं है, बट नहीं, गाड़ी वाड़ी देखो बड़ी प्यारी गाड़ी है, मतलब अच्छे अच्छे प्लेस से ही है, बट इनकी बैंड बज गई, इतने बंदे थे ये भी कंफ्यूज हो गए। तो गए सच में बहुत खुशी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगी गेम प्ले को। आपका प्यार है, वैसे हम नूब हैं गाइस, मैं हमेशा नूब ही बोलूँगा खुद को। आपको अगर अच्छा लगता है आप तारीफ कर दिया करो, देखो अपने मुंह से तारीफ करना ना वो मज़ा नहीं आता गाइस, आप लोग तारीफ करते हो मेरा दिल खुश होता है सच में। लव यू, गीली चुम्मी आप सबको। गैस कैन हमने उठा लिया था गाइस, क्योंकि वो तो हमारी जान है। गैस कैन के ऊपर कोई निकालूंगा मैं, वो लॉ निकालना पड़ेगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम बनाता हूँ कोई गैस कैन के ऊपर। ओके मैंने लॉ बना लिया बैठे बैठे। तो लॉ है, जब सुई लगती है आपको तो आवाज आती है आ करके, वाह 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 वाह, ये लॉ है। ओके मतलब वाह वाह नहीं करनी, ओके आप कमेंट करना, जब सुई लगती है तो आवाज आती है आ करके, टीममेट को फाड़ो नेट से और गैस कैन से ठा करके, वाह 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 वाह। शायरी होगी, लेकिन ये हमारा थर्ड लॉ होगा कि सुई लगती है तो आवाज आती है आ करके, टीममेट को फाड़ो गैस कैन और नेट से ठा करके, थर्ड लॉ ऑफ एनोनिमस बाबा जी। नाइस, कमेंट कर दो ताकि सबको याद हो जाए। अब मैंने नेट फेंक दिया, लेकिन ये हमारी एनोनिमस की पब्लिक थी, और फिर नेट फट गया लॉ, नेट एकदम परफेक्ट था, बट फिर मैं भाई लोगों को बोला भाई सॉरी मैं, अब मुझे क्या पता था गाइस ये लोग जंप करेंगे, वो नेट फेंक गया, फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, बट मैं सॉरी वरी बोल दिया। और ये हमारी एनोनिमस की पब्लिक आ रही है, अभी यहाँ पे गेम वेम्स खेलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा देख के बता रहा हूँ मैं। आइए आपका इंतजार था,
तो फिर हमारे भाई लोग हमसे मिलने के लिए आए, हमें बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा। नहीं नहीं ये मारने वाले नहीं लग रहे हमें, आपके इंतजार इंतजार कर रहे थे आप, इतनी होता आपने कर रहे नहीं नहीं भाई हम आपको कब से ही देख रहे हैं, बस हम आपको मीटअप करना चाह रहे थे क्योंकि आप मरो ना, बस इसलिए हम सेफ रह रहे थे भाई। आज एक साथ में डांस कर लो प्लीज, कोई सा डांस कर लो प्लीज भाई आप ना बुरा मत माना, आप हर दफा दे देते हो लेकिन इस बार आपके आप खुद रखना प्लीज, आप हमें ना एडन का शॉट देना भाई। नहीं भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा पहले बोला ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई प्लीज। तो गाइस भाई लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चिकन ले लो, लेकिन अगर मैं ले लेता मुझे बुरा लगता, मैं मारना नहीं चाहता था, तो इसका हमने कुछ फैसला किया था वो आपको बताएंगे। अब बातें कर रहे थे तो एक साइड से अरबी ने कान के नीचे लगाया, हमारा बम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, लेकिन जब हमने फिर बदला लेने की ठानी कि सर निकालिए सर आप कान के नीचे लगा के आपकी दुमची हिलाएंगे हम, था करके गोली मारेंगे आपको। थर्ड लॉ गाइस याद रखना, कान के नीचे लगाया बाबा जी, उल्टा सीधा कर दिया भाई को अरबी भाई को हमने। और फिर एनर्जी ड्रिंक मार रहे थे, अब नीचे राइट साइड में इसके बाकी बंदे कर देते हैं रश, और हमारे बाकी जो चार गाजी स्क्वाड था वो चला जाता है उनको मारने के लिए, रश करने के लिए। हाय 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 हाय, एक बंदा यहाँ पे होता है गाइस, लाइक हम हमारी पहले से फाइट करती थी तो सब पता था, लेकिन मैंने काफ़ी कट कर दिया, गेम प्ले लंबा हो जाता। बाबा जी ऐसे कैसे, तभी भी दो बंदे बचे हैं और ये लोग लड़ रहे हैं उनसे, पता नहीं चल रहा था किसको मारूं किसको ना मारूं, आपस में लड़ रहे हैं तो मैं मार नहीं रहा था यहाँ पे, बट वेट कर रहा था कि अगर आइडिया होगा तो मैं तुक्के पे मार दूंगा, लेकिन इन लोगों ने रश करके उनको मारा और अब सब जो हैं बच चुके हैं हमारे, हम भी दोनों जिंदा हैं, ये चारों भी जिंदा हैं, तो हम छः के छः लोग जिंदा बच गए थे बाबा जी। तो हमने एक खेल भी खेला, वो खेल भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये लोग चिकन दे बड़े दिल से कहते कि भाई आप ले लो हमें मार दो, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था, तो मैंने इनको बोला भाई ना आप मुझे मारो ना मैं आपको मारूंगा, हम कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मैं यहाँ भाई लोगों को गेम बोला कि चिड़ी खेलेंगे, जो मैं बोलूँगा उड़ने वाली चीज़ होगी आप खड़े होगे, नहीं उड़ने वाली होगी आप नहीं खड़े होगे, और अगर आप गलत खड़े होगे तो आप गाना सुनाओगे, ये थी पनिशमेंट। अब चिलोड़ी खेल रहे थे, मैंने बोला चिलोड़ी कब्बा उड़ा, और मैं बोल दिया गधा उड़ा, तो दो भाई जो हैं वो गधा भी उड़ा देंगे। जब इन्होंने गधा उड़ाया था फिर इनको सजा तो बनती है, इनको गाना सुनाने को बोला, और मैं पहले बता दूं कि भाई ने कहा था भाई मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई देखो आवाज़ तो मेरी भी अच्छी नहीं है, मैं भी तो आपको सस्ते गाने सुनाता हूं, तो आप सुनाओ, तो आप में से कोई भी गाने के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। उन्होंने पनिशमेंट पूरी की, एनोनिमस की सुनी, आप भी सुनो। तो मैंने भाई लोगों के सामने ये बात रखी थी कि कोई भी हील नहीं करेगा, जोन के डैमेज से सब मरेंगे, और जिसको चिकन मिला बस मिल गया, तो इसकी वजह से हम लोगों ने बस साथ में डैमेज लिया, और चिकन जिसके नसीब में आता वो ले लेता, मैं तो हो गया था नॉक, और हमारे नंबर फोर भाई नहीं मरे तो इनको चिकन मतलब हमें चिकन मिल गया, और बहुत शुक्रिया भाई आप लोग इतने प्यार का। गाइज ये सेकंड एपिसोड था, वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे यार, 100K करवा दो आप लोग इतनी बार, प्लीज़ करवाते हो मुझसे एनोनिमस की पब्लिक करवा दो, 100K गिली गिली चुम्मी मिलेगी आपको, और इंशाल्लाह मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, कोताही गलती माफ़ कर देना अपने एनोनिमस की, लव यू, अल्लाह हाफिज़।